दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हरियाणा की सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले कुल 30 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम हरियाणा क्लर्क, पुलिस और पटवारी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर का क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाले हैं कुल 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और साथ में आपको अपना स्कोर भी बताना है। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या की लगभग कितने प्रतिशत है। देखिए, आपके ऑप्शन है 1.35, 1.67, 2.05, 1.85। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा सी आपका, 2.05। दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऑप्शन आपके हैं रोहतक जिला, बी है भिवानी जिला, सी है पानीपत जिला और डी है अंबाला जिला। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी, भिवानी जिला। तीसरा क्वेश्चन, जिला रेवाड़ी में किस स्थान पर स्लेट पत्थर बहुत मात्रा में मिलता है। ऑप्शन आपके हैं कुंड नामक स्थान पर, और वी है बावल नामक स्थान पर, सी है कुशल नामक स्थान पर, डी है खोल नामक स्थान पर। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, कुंड नामक स्थान पर। चौथा क्वेश्चन, वह कौन सा खनिज पदार्थ है जो भारत में सिर्फ जिला भिवानी के गांव कलियाड़ा में उपलब्ध है। ऑप्शन आपके हैं स्लेट का पत्थर, वी है रेत, सी है हिलना पत्थर, डी है सफेद पत्थर। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, हिलना पत्थर। पांचवा क्वेश्चन, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है। ऑप्शन आपके हैं ए गांव निगाड़ा कला, बी दिलहेड़ी, सी रिवासा, डी उपयुक्त सभी में। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी में। छठा क्वेश्चन, जिला भिवानी में किस स्थान पर भारत की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड नामक कंपनी किसी बहुमूल्य खनिज की खोज में काम कर रही है। ऑप्शन आपके हैं तोसाम में, बी दादरी में, सी लोहारू में, डी भवानी खेड़ा में। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, तोसाम में। सातवां क्वेश्चन, हरियाणा की कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है। ऑप्शन आपके हैं 2.5%, वी है 6.6%, सी है 5%, डी है 8.5%। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी, 6.6%। आठवां क्वेश्चन, किस वर्ष मॉडल के रूप में हरियाणा प्रदेश में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नाम से वृक्षारोपण की व्यापक किस योजना शुरू की गई है। ऑप्शन आपके हैं वर्ष 1882-83, बी है 1885-86, सी है वर्ष 1889-90 और डी है 1994-95। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा का सी, 1989-90। नवा क्वेश्चन, प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है। ऑप्शन आपके हैं भिवानी, रोहतक, पानीपत, यमुना नगर। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, यमुना नगर। दसवा क्वेश्चन, प्रदेश के किन जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन आपके हैं फरीदाबाद व हिसार, बी है रेवाड़ी व महेंद्रगढ़, सी है सिरसा व जीत और डी है भिवानी व यमुना नगर। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ए, फरीदाबाद व हिसार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में औषधि वृक्षों के रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई। ऑप्शन आपके हैं ए
1 नवंबर 2002, बी है 1 सितंबर 2005, सी है 1 नवंबर 2003 और डी है 1 जून 2005। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, 1 नवंबर 2003। अगला क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में धान पर शोध कार्य कब शुरू किया गया। ऑप्शन आपके हैं 1966, बी है 1970, सी है 1974 और डी है 1989। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी, 1970। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में प्रमुख रूप से किस खाद्यान्न की कृषि की जाती है। ऑप्शन आपके हैं गेहूं, बी चना, सी चावल, डी उपयुक्त सभी की। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी की। 14वां क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है। ऑप्शन आपके हैं ए पहवा, बी है शाहबाद मारकंडा, सी है लाडवा और डी है बबैन। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी, शाहबाद मारकंडा। 15वां क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले को बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके हैं ए हिसार जिला, बी कुरुक्षेत्र जिला, सी करनाल जिला और डी है चीर जिला। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी, करनाल जिला। 16वां क्वेश्चन, हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के प्रयोग करने में भारत भर में कौन सा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन आपके हैं ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए प्रथम। 17वां क्वेश्चन, फव्वारा सिंचाई तकनीक को अपनाने में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। ऑप्शन आपके हैं प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चतुर्थ। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए प्रथम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन आपके हैं नहरों द्वारा, बी है कुओं द्वारा, सी है नलकूपों द्वारा और डी है उपयुक्त सभी के द्वारा। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। 19वां क्वेश्चन है, प्रदेश में जिला अंबाला में नहरी सिंचाई सुविधा किस सिंचाई परियोजना के बनने से उपलब्ध हुई है। ऑप्शन आपके हैं नंगल उठान सिंचाई परियोजना, बी है हथनी कुंड बैराज परियोजना, सी है जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना, डी है सेवानी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए नंगल उठान सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के रतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है। ऑप्शन आपके नहरों द्वारा, बी कुओं द्वारा, सी नलकूप की सहायता, फव्वारों द्वारा और डी वर्षा द्वारा। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी नलकूप की सहायता, फव्वारों द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 21 क्वेश्चन है, गुड़गांव के अतिरिक्त किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। ऑप्शन आपके हैं ए पानीपत, बी फरीदाबाद, सी सोनीपत, डी कैथल। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा पद्दी, फरीदाबाद। 22वां क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज परियोजना हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। ऑप्शन आपके हैं ए यमुनानगर, बी गुड़गांव, सी रोहतक, डी फरीदाबाद। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए यमुनानगर। 23 क्वेश्चन, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन आपके हैं ए 38,150 वर्ग किलोमीटर, बी है 44,212 वर्ग किलोमीटर और सी है 50,210 वर्ग किलोमीटर और डी है 52,300 वर्ग किलोमीटर। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी 44,212 वर्ग किलोमीटर। 24 क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके हैं रोहतक, वी हिसार, सी पंचकूला, डी जींद। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी हिसार। 25 क्वेश्चन, हरियाणा की किस नस्ल की भैंसें सारे भारत में प्रसिद्ध हैं।
ए मुरा बी तुरा सी पुस डी चसा। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए मुरा। 26 क्वेश्चन। जिला कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कब किया गया। ऑप्शन आपके हैं ए 1980 से 81, बी है 1984 85, सी है 1988 से 89 और डी है 1999 से 96। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका सी 1988 से 89। 27 क्वेश्चन। जिला महेंद्रगढ़ में किस स्थान पर एक वीर बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लागू हुआ है। ऑप्शन आपके हैं ए अटेली, बी नारनौल, सी नांगल चौधरी, डी है महेंद्रगढ़। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका बी नारनौल। 28 क्वेश्चन। जिला भिवानी में पशु रोगों के निदान हेतु जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई। ऑप्शन आपके हैं ए 1978 में, बी है 1980 में, सी है 1984 में, डी है 1990 में। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए 1978 में। 29 क्वेश्चन। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर बैंक केंद्र स्थापित हैं। ऑप्शन आपके हैं ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका डी 8। 30 क्वेश्चन। जिला अंबाला में एचएमटी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपके हैं पिंजौर, वी कालका, सी नारायणगढ़, डी मोरनी। देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए पिंजौर। तो दोस्तों ये थे हरियाणा की सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले कुल 30 क्वेश्चन। अब कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि आपने स्कोर कितना किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।